आज हम बात करने वाले हैं कि PSIR ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए और PSIR ऑप्शनल में क्या क्या होता है। PSIR जब हम कहते हैं, दोस्तों मैं हूं संदीप सिंह, PSIR फैकल्टी AT योजना IAS। आज हम बात करने वाले हैं कि PSIR ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए और PSIR ऑप्शनल में क्या क्या होता है। PSIR जब हम कहते हैं तो ज्यादातर लोगों के सवाल ये होते हैं कि इतना वास्ट सिलेबस है, इतनी ज्यादा बातें हैं, उनको हम कैसे कवर करेंगे। लेकिन इसको लेने के फायदे बहुत सारे हैं जो आपको हर स्टेज पे काम आएगा। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि PSIR ऑप्शनल में होता क्या है, क्या क्या बातें होती हैं जो आपको ध्यान देना है, जानना है, और उसके बाद आप तय कर सकते हैं ये जानने के बाद कि इसके फायदे क्या हैं, कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और किस तरह के लोगों को ये ऑप्शनल लेना चाहिए, और जब लेने के बाद हम कौन सा अप्रोच ले सकते हैं इसको बेहतर तरीके से करने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके ऑप्शनल में क्या क्या होता है। PSIR के दो पेपर होते हैं, जैसे ऑप्शनल के बाकी के दो पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। जब हम पेपर वन में देखते हैं तो पेपर वन में दो पार्ट होते हैं, एक पॉलिटिकल थ्योरी और थॉट का पेपर होता है, दूसरा पेपर जो होता है वो इंडियन गवर्नेंस और पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है। इसी तरह पेपर टू में दो पार्ट होते हैं, पेपर टू के जो पहला पार्ट है उसमें IR और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उसको हम देखते हैं, और सेकेंड पार्ट में हम इंडिया और वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, जिसमें से वर्ल्ड इवेंट के बारे में, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज के बारे में, इन सभी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। और ये तो पूरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है। पॉलिटिकल थ्योरी में हम थिंकर्स को पढ़ते हैं, आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, IGP में हम कास्ट और जितनी भी इंडियन पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बातें हैं वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। पेपर टू में जब हम थ्योरेटिकल पार्ट में आते हैं तो वहां पे IR की जितनी थ्योरीज हैं, चाहे आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की थ्योरीज पढ़ते हैं। और ये सब जानने के बाद हम जाते हैं पेपर टू के सेकेंड पार्ट में, जहां पे हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, कैसे बनाई जाती हैं, किस देश के साथ हमारे कैसे रिश्ते रहे हैं, कैसे रहने वाले हैं, और ये काफी हद तक डायनेमिक पार्ट है। तो ये ओवरऑल सिलेबस है जो हमें समझना है और जानना है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सिलेबस आपको अलग जगह पे मदद करने वाला है, और एक एस्पिरेंट के तौर पे जब आप तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपको हर स्टेज पे मदद करेगा और हर जगह पे आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा। तो क्या क्या रीजन है कि आपको PSIR लेना चाहिए, उसके रीजन अगर आप देखेंगे तो ये रीजन है जो आपको PSIR लेना चाहिए। पहला रीजन है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप बोर नहीं होंगे। आपको थिंकर्स पढ़ने पे इतनी नई बातें समझ में आएंगी। जब आप थॉट्स पढ़ते हैं, थिंकर्स पढ़ते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं, तो आप दुनिया को एक बेहतर तरीके से देखना समझ जाते हैं। जितने भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सबको समझने में, जितने भी एडिटोरियल आप पढ़ते हैं सब में आप देखेंगे कि डेली दो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स कम से कम नहीं पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स में होते हैं, उनको समझने में आपको मदद मिलती है। फिर नंबर के हिसाब से देखें तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि PSIR के तो आपके 500 नंबर बने ही, वहां के अलावा भी ये GS के पेपर पे प्रभाव डालता है। पहला पेपर है GS2। GS2 में जितना भी पार्ट है, चाहे वो इंडियन पॉलिटी का पार्ट हो, गवर्नेंस का पार्ट हो, सोशल जस्टिस हो या इंटरनेशनल रिलेशंस हो, पूरा का पूरा सिलेबस PSIR के सिलेबस से मिलता जुलता है। PSIR में यही बातें हम थोड़ा डीप में देखते हैं, लेकिन यहां GS में आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है उन चीजों को बेहतर लिखने में और समझने में। फिर एक पेपर आता है एथिक्स का। GS4 का पेपर जब भी आप देखेंगे वो बहुत ही ज्यादा PSIR के नजदीक है, चाहे आप थिंकर्स के बारे में बातें करें या नैतिकता के जितने सिद्धांत होते हैं वो कहां से आते हैं, वो सारी बातें आप PSIR में पढ़ते हैं। तो अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल तैयार है या स्ट्रांग है तो आप एथिक्स में भी अच्छा करेंगे, उसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आज के समय में एसे का पेपर, जो निबंध का पेपर आपका होता है, वो इतना डायनेमिक है, इतना फिलोसफिकल है कि बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उन लोगों को डिफिकल्ट नहीं लगता जिनके पास PSIR ऑप्शनल होता है। क्योंकि जितने भी पेपर दिखाएंगे, इस बार एक सवाल था जो चैरिटी और जस्टिस को लेके था, और भी जितने भी दर्शन लेवल के या फिलोसफिकल टॉपिक्स होते हैं वो आप बेहतर तरीके से डिकोड कर पाएंगे अगर आप PSIR ऑप्शनल लेते हैं। अब ये इतने रीजन इनफ है आपको PSIR ऑप्शनल लेने के लिए, क्योंकि GS2 के 250 नंबर, उसके बाद आपके एथिक्स के 250 नंबर्स, उसके बाद आपके एसे के इतने नंबर्स, ये नंबर मिला के फिर ऑप्शनल के नंबर जोड़ने के बाद आपके कितने नंबर बन जाएंगे आपको खुद अंदाजा नहीं। तो नंबर्स के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, और एक बेहतरीन सब्जेक्ट होने की वजह से भी बहुत ही जरूरी है सब्जेक्ट। अगर किसी को भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, किसी को भी थॉट्स में इंटरेस्ट है, या कोई भी ऐसा इंसान जिसे इन बातों पे मजा आता है या इंटरेस्ट आता है, और जिसे एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट तैयार करने हैं, कि अगर आप PSIR कर लेते हैं तो इसे की और बाकी दिक्कतें आपकी सॉल्व हो जाती हैं, ऐसे सभी लोगों को PSIR लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि PSIR को अप्रोच कैसे करेंगे, कि PSIR पढ़ने के तरीके क्या हो सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि सिलेबस वास्ट है ऐसा लोग कहते हैं,
आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है, आपका इंटरेस्ट जो भी है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बहुत ज्यादा चीजें पढ़ सकते हैं। दूसरा काम आपको करना है कि जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आपको पढ़नी है, पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जिम्मेदारी हमारी है, वो पढ़ाई जाएंगी आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ाई जाएगी। उसके बाद आपको लगातार मेंस एंड आंसर राइटिंग कराई जाएगी, जहां पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी और वो पार्ट करते करते कहीं ना कहीं आप थ्योरी को एप्लीकेशन पार्ट से जोड़ना सीख जाएंगे। तो पूरा जो प्रोसेस है, इंटरेस्ट डेवलप करना है, फिर आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड बुक्स और क्लासेस जो होंगी जो आपको एक्सप्लेन करेंगे समझाएंगे वो नोट करना है, और उसके बाद आपको मेन आंसर राइटिंग करनी है, और फिर थ्योरी और एप्लीकेशन को दोनों को लिंक करके जो चीजें आप लिखेंगे तब आपका पूरा का पूरा पीएसआईआर का जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट होगा और आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जहां पे हमने बताया कि क्यों आपको पीएसआईआर ऑप्शनल लेना चाहिए, क्या क्या पीएसआईआर ऑप्शनल में होता है और कैसे आप पीएसआईआर ऑप्शनल अप्रोच कर सकते हैं। धन्यवाद।